जिस तरह से आबाद हो रहा है मुल्तान रोड पर, वो बहुत भयानक सूरत हाल है। सर, टाइम फ्रेम जो है वो डिपेंडेंसी तो होती है इन्वेस्टमेंट्स पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। फिर आपने बड़े अहम मौजू पे बात आज शुरू की है। ये बुनियादी तौर पर जो अदालत की जानिब से फैसला आया है उसमें वाजे तौर पर ये लिखा गया कि 1894 का एक्ट है, पंजाब लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसके तहत जो है वो पंजाब जमीन रिक्वायर करता है ठीक है। और जो इनकी जानिब से रोडा का तर्मीनी एक्ट बनाया गया था, अदालत का कहना था कि ये उसके मुतफादिम है, आयन के मुतफादिम है। तो जो एक्ट 1894 से चल रहा है, अभी तक किसी हुकूमत ने उसे आज तक उसमें अमेंडमेंट भी नहीं कही, कोई तर्मीन ही नहीं की मौजूदा हालात के तनाजुर में, मौजूदा मास्टर प्लान के तनाजुर में। इसी वजह से जो है वो मास्टर प्लान भी प्रॉपर तरीके से मुरतब ना दिया जा सका, जिसपे जो एक और अदालत ने नुकता उठाया। अब जो है जब वजीर आजम यहाँ पर तशरीफ लाए तो उनका यही कहना था कि जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें जिस किस्म की सहूलियात दी जा रही है वो हमारी टीम जो है वो अदालत में पेश नहीं कर सकी, जिसकी वजह से फैसला हमारे खिलाफ आया है। और उम्मीद है कि अब इसको जो है वो बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। वजीर आजम खासे पर उम्मीद है और पंजाब हुकूमत भी इस हवाले से काफी मुताबिक दिखाई देती है। इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अदायगियां कर दी गई हैं, तकरीबन 95% के करीब तो आबादियां हो गई है, जबकि हुकूमत का मौका यह है कि 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। और अगर कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस मुल्क में आता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ये जो आप पानी के इशू के हवाले से बात कर रहे थे, तो प्लान में ये चीजें भी शामिल है कि वहां पर वाटर लाइन लगाई जाएंगी, जिसके जरिए जेरे आप पानी जो है उसकी सफा को भी बेहतर किया जा सकेगा, बुलंद किया जा सकेगा, और इसके साथ साथ जो है आलूदगी भी पानी में खत्म की जा सकेगी। मगर ये होगा कब? अब वहां पर रख चौक जंगल लगाया गया, वजीर आजम जाती तौर पर जब भी लाहौर आते हैं तो उस जंगल का मुआयना भी करते हैं। वो जंगल जो है डिजिटल सिस्टम के साथ लगाया गया और पौधों के साथ वाईफाई सिस्टम अटैच है कि अगर वहां पे कुछ पौधे मरते हैं तो इनको अंदाजा होगा। और अब नई जो एक चीज इसमें की कर रही है पंजाब हुकूमत, वो ये कर रही है कि अब रख जो जंगल जो है इसको टूरिज्म का स्पॉट भी डिक्लेयर करने जा रही है, क्योंकि वो जंगल इतना खूबसूरत होगा, वहां पे ऐसी डिजिटल चीजें लगाई गई हैं कि लोग सकेंगे, माहौलियाती आलूदगी जो है उसको कम किया जा सकेगा। मगर उसके साथ ही सर जरूरत अहम ये थी कि जो बुनियादी आपके पास चीजें हैं आप उनमें तो बुनियादी चीजों पे पहले काम करें, मास्टर प्लान पे काम करें, जो लोकल गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर इन चीजों को क्लियर करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।